বরফে ঢেকেছে কাশ্মীর উপত্যকা, লাগাতার তুষারপাতে বিপর্যস্ত জনজীবন, ব্যাহত যান চলাচল। বরফে মোড়া কাশ্মীর, জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে, বহু জায়গাতে পর্যটকরা তারাও বিপদে পড়েছেন। গতকালের খবর অনুযায়ী 6 জনের মৃত্যু হয়েছে এই প্রচণ্ড ঠান্ডার জেরে। গত কয়েক দশকে এরকম ঠান্ডার কবলে পড়েনি কাশ্মীরের মানুষ। लगातार दो दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद मौसम में हल्का सा सुधार हुआ है और आज सुबह से श्रीनगर में ताज़ा बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन उत्तरी और दक्षिण कश्मीर में आज रात भी फिर से बर्फबारी हुई। पहलगाम, काजीगुंड और अनंतनाग में 2 से लेकर 7 इंच तक, जबकि उत्तरी कश्मीर में कुपवारा में 8 इंच से लेकर 1 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी के बाद से एक बार फिर पारा जो है वो नीचे लुढ़क गया है और श्रीनगर में आज रात का न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख क्षेत्र में एक बार फिर पारा नीचे चला गया है। करगिल में आज रात का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री था, जबकि द्रास में ये एक बार फिर -19 के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर के बाद मौसम में हल्का सा सुधार होगा और एक बार फिर धूप खिलेगी, लेकिन इस बर्फबारी ने अपना जो रंग है वो दिखा दिया है। अब भी जो है दूर दराज के इलाकों का संपर्क श्रीनगर और बाकी देश दुनिया से कटा हुआ है। ख़ासतौर पर उत्तरी कश्मीर में टंगडार और गुरेज की बात करें तो वहाँ पे सड़क यातायात अब भी बंद है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, इस पर एक तरफा ट्रैफिक की ही इजाज़त होगी, जबकि हवाई सेवाएं भी कल दोपहर के बाद बहाल की गई और 3 फ्लाइट्स कल लैंड हुई। आज उम्मीद की जा रही है कि सारी फ्लाइट्स लैंड करेगी, लेकिन इस बर्फबारी में जो है इस बार 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 लोग तो बर्फ़ की चपेट में आए, जबकि 5 लोग ऐसे एक ही परिवार के थे जिनमें 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष था। वो अपने घर में गैस हीटर जला के सो रहे थे और गैस हीटर से हुई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इन 5ों की मृत्यु हो गई। ये सभी उत्तरी कश्मीर के टंगडार से श्रीनगर इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में फिलहाल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो सिलसिला है वो जम्मू क्षेत्र की तरफ जाएगा और आज दिन में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में बर्फबारी होगी और जम्मू में भी बारिश हो सकती है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद कुछ दिनों तक सामान्य मौसम रहेगा, लेकिन 10 जनवरी के बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी पर भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके चलते समूचे उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड की लहर बढ़ सकती है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP News, श्रीनगर।